दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियोस में हमने देखा था बाबा एक एक कर सारे जॉम्बीज को मार देते हैं। ये देखकर ग्रैनी भड़क जाती है और मंत्र पढ़कर ग्रैंडपा को बुला लेती है। ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर से वहां आते हैं और बाबा को बेहोश कर देते हैं। फिर ग्रैनी सारे जॉम्बीज को होश में लाती है। फिर सभी लोग बाबा को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड का पीछा करने लगते हैं। वो लोग गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के सामने आ जाते हैं। एक जॉम्बी हेलीकॉप्टर से गुब्बारे पर आ जाता है और शॉन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी बाबा को होश आ जाता है। बाबा उठते ही सारे जॉम्बीज को मार देते हैं और उस गुब्बारे को हेलीकॉप्टर बनाकर ग्रैनी और ग्रैंडपा से बहुत दूर ले जाते हैं। बाबा हेलीकॉप्टर को एक गांव में लैंड करवाते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर से बाहर आकर बातें कर रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ग्रैनी और ग्रैंडपा वहां आ चुके थे। ग्रैनी शॉन को पकड़कर वहां से ले जाती है। और अब आगे की स्टोरी। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड हेलीकॉप्टर में आकर बैठते हैं। बाबा हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं और बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा का पीछा करने लगते हैं। ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर और भी तेज चलाओ, वो लोग हमारे करीब आ रहे हैं। ठीक है, ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर की स्पीड बढ़ा देते हैं और गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड से बहुत आगे निकल जाते हैं। कौन है? ग्रैनी, मैं जॉम्बी बोल रहा हूँ। हम चारों लोग अभी भी जिंदा हैं। जल्दी से हमें बचाने आ जाओ। तुम सभी लोग मेरे पुराने घर पे पहुँचो। मैं और ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर से वहीं पर आते हैं। ठीक है। ग्रैनी की बात सुनकर जॉम्बीज ग्रैनी के पुराने घर पर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सारे जॉम्बीज ग्रैनी के पुराने घर पर पहुंच जाते हैं। जॉम्बीज ग्रैनी के घर पर आकर ग्रैनी और ग्रैंडपा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें ग्रैनी और ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर से आते हुए दिखाई देते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा शॉन को लेकर हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं। उन लोगों ने मिलकर शॉन को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। मैं अब तुझे जॉम्बीज बना दूंगी। ग्रैनी, मुझे छोड़ दो, मुझे जॉम्बी मत बनाना। इधर गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा को ग्रैनी और ग्रैंडपा का हेलीकॉप्टर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। रॉड बाबा से कहता है, लगता है वो लोग शॉन को लेकर बहुत दूर चले गए। अब हम शॉन को कभी नहीं बचा पाएंगे। तुम सभी चिंता मत करो, मैं शॉन को ग्रैनी के चंगुल से बचा कर रहूंगा। सभी लोग मेरे घर चलो, वहां मैं अपने जादुई गोले से शॉन का पता लगाऊंगा। गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा बाबा के घर पर जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड बाबा के घर पर आते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं। बाबा अपनी जादुई छड़ी कुटिया से लेकर बाहर आते हैं और मंत्र पढ़कर शॉन का पता लगाने लगते हैं। बाबा को जादुई छड़ी में दिखता है ग्रैनी शॉन को लेकर अपने पुराने घर पर गई है और शॉन को पेड़ पर उल्टा लटका कर उसे बहुत मार रही है। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहते हैं, जल्दी चलो, हमें ग्रैनी के पुराने घर पर जाना होगा। सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर ग्रैनी के पुराने घर पर जाने लगते हैं। इधर ग्रैनी शॉन को बहुत मार रही है। ग्रैनी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुझे जॉम्बी बनाऊंगी, चल जल्दी से तैयार हो जा। इतना कहकर ग्रैनी कोई मंत्र पढ़ने लगती है। ग्रैनी, ऐसा मत करो, अगर बाबा यहाँ आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा ग्रैनी के पुराने घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा, वो देखो, वो रहा शॉन। बाबा हेलीकॉप्टर ग्रैनी के घर के पास ले जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, गुल्ली बुल्ली, तुम लोग नीचे जाकर ग्रैनी का ध्यान भटकाओ, मैं ऊपर से निगरानी रखता हूँ। बाबा गुल्ली बुल्ली के साथ नीचे मैं भी जाऊंगा, तुम तीनों जाकर शॉन को बचाने की कोशिश करो। ठीक है बाबा। गुल्ली बुल्ली और रॉड हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, हमें चुपके से जाकर शॉन को छुड़ाना होगा, वरना अगर ग्रैनी ग्रैंडपा और जॉम्बीज को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वो लोग हम लोगों को भी पकड़ लेंगे। ठीक है रॉड,
गुल्ली बुल्ली और रॉड ग्रैनी ग्रैंडपा और जॉम्बीज से छिपकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जेसन की नज़र इन पे पड़ गई है। जेसन रॉड पे पीछे से हमला करता है। जेसन गुल्ली बुल्ली को पकड़ लेता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुल्ली बुल्ली बच पाएंगे या फिर ग्रैनी ग्रैंडपा और जेसन मिलकर गुल्ली बुल्ली को मार देंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 4। पार्ट 4 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।